गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये है बोट रॉकर्स 560 और आज होगा इसका अनबॉक्सिंग। और इसमें आपको अप्रॉक्स 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, 5.0 का ब्लूटूथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, गूगल असिस्ट का भी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फोल्डेबल है ये, जिस वजह से छोटी से छोटी जगह पे इजिली एडजस्ट हो जाएगा ये, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगा। और इसके जो हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आपको मेटेलिक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लॉन्ग लास्टिंग है ये काफी ज्यादा कम्पेयर टू अनदर हेडफोन्स। सो फ्रेंड्स, आज के अनबॉक्सिंग के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है बोट रॉकर्स 560 का बॉक्स और इसके ऊपर आपको टैगलाइन देखने को मिल रहा है, हेयर्ड द अनहेड, जो की काफी ज्यादा कूल लगता है। और इसके नीचे साइड आपको बोट रॉकर्स 560 मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। आपके नीचे साइड देखोगे तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के चार्जर से आपको इसे चार्ज करना है, उससे इसका बैटरी का लाइफ काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। और इसके पीछे साइड आपको इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहा है। और इसके आप थोड़े नीचे आओगे तो लिखा हुआ है कि इस पैकेजिंग के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है और इन लोग का एड्रेस और कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस। और आप देख सकते हो इसका डिजाइन यूएस में रेडी हुआ था और मैन्युफैक्चर हुआ इसका चाइना में। डिजाइन मतलब सिर्फ ऊपर का डिजाइन नहीं ब्रो, एवरीथिंग, कि कैसा लुक ये रिप्रेजेंट करेगा, सर्किट डिजाइन और क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगने वाला है, ये सब कुछ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर कौन सा लगेगा, प्रोसेसर कौन सा लगेगा, सब कुछ यूएस में रेडी हुआ था और इसका असेंबली चाइना में हुआ है। और आप देख सकते हो इसका प्रिंटेड प्राइस है 3,990 रुपीस, लेकिन मुझे मिला अमेज़न पे 1,500 रुपीस का। तो फ्रेंड्स, खोलते हैं इस डब्बे को और निकालते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को, जो की है हेडफोन। अमेज़न में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था देखने में और अब रियलिटी में देखते हैं कि क्या वैसा है या फिर एडिटिंग का कमाल है। तो फ्रेंड्स, आप इसका लुक देख सकते हो, वाओ, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। एक मैट कलर का फिनिशिंग आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक्टिव ब्लैक कलर भी आप बोल सकते हो। अभी इसको हम लोग साइड रखते हैं और देखते हैं इसके साथ हम लोग को और क्या क्या कंटेंट देखने को मिला है। सो ये आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिल रहा है जिसका क्वालिटी एवरेज ही है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बर्बाद। और एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये है इनका 1 ईयर का वारंटी कार्ड और ये है इनका यूजफुल मैनुअल जिसमें इसे यूज करने के सारे पैटर्न लिखे गए हैं, इनके बटन का फंक्शन, इसका फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस। अभी इन सबको साइड रखते हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे हेडफोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हेडफोन का जो डिटेलिंग है ये सही में कमाल का प्रीमियम सा डिटेलिंग ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सही लग रहा है देखने में, काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो जैसा ऑनलाइन है देखने में एकदम वैसा ही आपको ये देखने को मिलेगा, डिटेलिंग बहुत शार्प है, अच्छा लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके कुशनिंग का भी फिनिशिंग देख सकते हो जो कि काफी कमाल का है, स्ट्रेचेस काफी अच्छे हैं। दूसरे में आप देख सकते हो जो कुशनिंग होता है फोल्ड फोल्ड सा रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कुशनिंग आपको देखने को मिलेगा, कुशनिंग भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। आप देख सकते हो कानों में किसी तरह का पेन आपको महसूस नहीं होगा लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद। और दूसरे एयर कप्स के साइड आपको इसके 4 बटन देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा लुक रिप्रेजेंट कर रहा है, देखने में बहुत मस्त लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके बटन्स का फंक्शन बताना चाहूंगा। जो पहला बटन है जिसमें आप प्ले एंड पॉज का सिंबल देख रहे हो, उसके सिंगल क्लिक से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप इससे कॉल पिक एंड कॉल कट कर सकते हो और इसके डबल क्लिक से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो। और इसके साइड में जो आप दूसरा बटन देख रहे हो, इसके डबल प्रेस से आप गूगल असिस्ट को ऑन कर सकते हो और अगर आप इसे प्रेस करके रखोगे तो ऑफ या ऑन हो जाएगा। और तीसरा जो बटन है जिस अगर आप इसे दबा के रखोगे तो प्रीवियस सॉन्ग पे चले जाओगे और बार बार दबाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और चौथा बटन का भी फंक्शन सेम है, दबा के रखोगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाओगे और बार बार दबाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हेडफोन और फोन दोनों का ही वॉल्यूम का कंट्रोल डिफरेंट है और अगर आप हेडफोन से वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज करोगे तो फोन में वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा। लुक्स और डिटेलिंग बहुत अच्छा है बटन्स का, लेकिन यूसेज में उतना खास नहीं है, थोड़ा नॉइसी और हार्ड है इसका बटन। सो फ्रेंड्स, इसके लुक्स एंड डिजाइन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा कमाल का लुक ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, एक प्रीमियम सा फिनिशिंग ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक उतना खास नहीं लगा मुझे, प्लास्टिक थोड़ा चीप सा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आपका जल्दी टूट जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा ये, बस प्लास्टिक का क्वालिटी उतना प्रीमियम सा नहीं है। और फ्रेंड्स, आप इसका वेट देख सकते हो अप्रोक्स 120 ग्राम जो कि काफी ज्यादा वेटलेस है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे फोन में अभी रिकॉर्डिंग ऑन है और मैं अभी कॉल पे हूँ और ये जो कम्युनिकेट होगा मैं डायरेक्ट उठा के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसका साउंड क्लैरिटी कैसा है। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इसी से बात कर रहा हूँ कि ये मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है और फोन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे साइलेंट हो, और यहाँ पर काफी ज्यादा नॉइस है, 2 फैन चल रहा है और अभी आपको पता चलेगा कि नॉइस खींच रहा है कि नहीं खींच रहा कॉलिंग के टाइम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 560 में
ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि 560 कनेक्टेड है मेरे फ़ोन के साथ। और अभी आप जो सुन रहे हो, अगर आप किसी को वॉइस चैट भेजोगे तो ऐसा ही आवाज़ उसके पास जाएगा, इतना ही नॉइस उसके पास जाएगा। अगर आप किसी से नॉइस, अगर आप किसी को वॉइस चैट भेजोगे या फिर अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना कि कॉल पे कैसा नॉइस कैंसिलेशन ये काम कर रहा है, कॉल में नॉइस कैंसिलेशन कम इसीलिए है क्योंकि एक तो वहाँ पे नेटवर्क का जो भी नेटवर्क रहता है, चाहे वो आप जियो यूज़ करो या फिर वोडाफोन यूज़ करो या फिर आइडिया या फिर एयरटेल, तो उसके नेटवर्क में भी आपको नॉइस एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा जो कि हल्का सा नॉइस रिड्यूस करता है, और साथ ही में फ़ोन में भी एम्पलीफिकेशन होता है जो कि नॉइस को रिड्यूस करता है। इसलिए जब आप कॉल में किसी से बात कर रहे हो तब आप सामने वाले को आपका जो नॉइस है वो कम सुनाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कमाल का परफॉर्मेंस ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है, एकदम बूम सॉफ्ट पंची बेस मुझे इसमें सुनने को मिल रहा है और वोकल्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, ट्रिबल भी काफ़ी अच्छा है, छनकार भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे 100% वॉल्यूम में सुन सकते हो, कमाल का परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो अप्रॉक्स 2 सेकंड्स का साउंड का डिले आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑक्स केबल का यूज़ करोगे तो आपका जो फ़ोन होगा, फोन का माइक ऑन हो जाएगा जिस वजह से आप गेमिंग भी कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ा लाउड बात करना पड़ेगा। और इसका कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे 20 मीटर के रेंज में लैग महसूस नहीं हुआ। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो अप्रॉक्स 10 आवर्स का बैटरी बैकअप ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।